जय हिंद दोस्तों वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड दोस्तों यूपीएससी पी एस का फॉर्म आने वाला है और कुछ दिनों बाद इसकी परीक्षा भी होगी तो हम इसकी तैयारी अभी से शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आर ओ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो आप सभी को पता है दो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और जी ठीक है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हिंदी होती है और जीएस होती है हिंदी में 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीएस में 140 नंबर के 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है ठीक है एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है और आपको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आर ओ आर ओ में कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो होती है हिंदी हिंदी में यदि स्टूडेंट 60 में से 60 नंबर के सही करके आते हैं या साठ में से फिफ्टी फाइव प्लस तो बिल्कुल ही सही करके आते हैं तो उन्हें कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ही आसानी होती है बहुत ही आसानी से कट ऑफ बीट हो जाती है इसीलिए हिंदी में जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है वो माना जाता है हिंदी तो आज से आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रही है कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए जी, जी एस की प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी फ़िलहाल आज से हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपकी डेली चलेगी तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में चार टॉपिक होते हैं सॉरी छह टॉपिक होते हैं हिंदी सब्जेक्ट में छह टॉपिक होते हैं कौन कौन से पहला होता है विलोम शब्द दूसरा होता है शुद्ध अशुद्ध तीसरा होता है तत्सम तद्भव चौथा होता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पांचवा होता है विशेषण विशेष और, और छठवा होता है पर्यायवाची ये छह टॉपिक होते हैं और हर एक टॉपिक से दस दस नंबर का क्वेश्चन आते हैं दस दस नंबर के दस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल हो गए साठ क्वेश्चन ठीक है साठ नंबर के साठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विलोम शब्द हम विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है ठीक है पहले आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी तो पहला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय ठीक है यहाँ पे लिखा है वृष्टि वृष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम क्या है अमर का विलोम शब्द क्या होगा तो अमर का विलोम शब्द होगा मर्त्य ठीक है यहाँ पे और ऑप्शंस दिए उनके बाद उनके बारे में बात कर लेते हैं तो मृतक का विलोम शब्द देखा जाए तो मृतक का विलोम शब्द होता है जीवित ठीक है मृतक का विलोम शब्द होता है जीवित मृत्यु का होता है जन्म मरण का होता है जीवन ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए अमर का होता है मर्त्य मृतक का जीवित मृत्यु का जन्म और मरण का जीवन ठीक है अमर का मर्द मृतक का जीवित मृत्यु का जन्म और मरड़ का जीवन ये होते हैं सबके विलोम शब्द बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है गुड़ शब्द का विलोम क्या है ठीक है गुड़ जैसे कि हम किसी के मान लीजिए कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट के बारे में टीचर बताता है कि वो बहुत गुड़ी लड़का है उसकी अच्छाइयाँ बता रहा है ठीक है वहीं पे कोई और स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं है उसके बारे में कमियाँ बता रहा है मतलब उसके दोष बता रहे हैं तो गुड़ का विलोम शब्द क्या हो गया दोष ठीक है गुड़ा का विलोम शब्द क्या होता है भाग गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है गृहस्थ का होता है सन गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ जीवन बिताता है तो उसका अपोजिट क्या होगा संन्यास गृहस्थ का होगा संन्यास चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है तो श्रीगणेश शब्द का विलोम क्या होगा इतिश्री क्या होगा इतिश्री ठीक है अथ की इति की बात करें तो इति का विलोम शब्द होगा अथ अथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अब हमारा अगला क्वेश्चन है मौन शब्द का विलोम क्या है तो मौन शब्द का विलोम क्या होता है देखिए मौन का मतलब होता है जो शांत रहता है जो चुप रहता है जो कुछ नहीं बोलता है मौन रहता है तो उसका अपोजिट क्या होगा जो बोलता है तो मौन शब्द का विलोम क्या होगा मुखरता इसी तरीके से मुक्ता मुक्ता का विलोम शब्द होगा वाचालता चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमने विलोम शब्द का विलोम शब्दों के बारे में पढ़ लिए पांच सेट लगाए हमने पांच क्वेश्चंस का सेट लगाया अब हम मैं आपको कुछ अलग से विलोम शब्द के बारे में बताती हूँ देखिए अधिष्ठित का विलोम शब्द होता है अधिष्ठित अर्जित का अनर्जित अर्पण का ग्रहण आवर्चीन का प्राचीन प्राचीन मतलब पुराना अल्पकालीन का दीर्घकालीन अवनी का अंबर अल्पायु का चिरायु यहाँ पे चिरायु नहीं लिख पाया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्पायु का होता है चिरायु ठीक है चलिए हमने विलोम शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर हमारा अगला टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं और बतानी कि कि है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे क्लेश 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 और क्लेश इन्हें चार तरीके से लिखा गया आपको बतानी है कि क्या इस कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये बस सही लिखा है बाकी सब गलत लिखे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए और आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए दो दोस्तों बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा जाए कई बार गलती हो जाती है हमें लगता है शुद्ध वर्तनी पूछा है और हम टिक करके चले आते हैं लेकिन कई बार क्वेश्चन में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी पूछ ले जाते हैं तो शुद्ध वर्तनी वाला सॉरी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन से हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है समुज्वल और यहाँ पर भी लिखा है समुज्वल तो समुज्वल की जो वर्तनी होती है वो ये गलत है ये सही रूप लिखा है समुज्वल का तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए यहाँ पे अधीन और आधीन लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है ठीक है देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस दिया है एक में बड़ी एक ही मात्रा एक में छोटी की मात्रा इस तरीके से बहुत ही माइनर सा डिफरेंस दिया है तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर बताइए देखिए अधीन नहीं होता है अधीन होता है और अधीन में ये मात्रा गलत है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन आया है ठीक है तो यहाँ पे बताना है कि अंतर ध्यान इस तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से लिखा जाएगा पूजनिया सही लिखा है कि अहिल्या सही लिखा है किसकी वर्तनी शुद्ध है तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये अंतर ध्यान गलत तरीके से लिखा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट पूजनिया ये भी गलत लिखा है पूजनिया किस तरीके से लिखा जाएगा तो पूज निया इस तरीके से लिखा जाएगा अहिल्या ये भी गलत लिखा है अहिल्या को लिखा जाएगा अहिल्या ये शुद्ध वर्तनी है अहिल्या की चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे अंताक्षरी चार तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाकी सब गलत तरीके से लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे कुछ शुद्ध शुद्ध ली है मैंने तो देखिए अर्पण इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा अर्पण उस तरीके से लिखा जाएगा अनभिज्ञ भी गलत लिखा है अनभिज्ञ में गा आएगा आहार आहार नहीं होता है आहार होता है देखिए अस्वीकार में मात्रा का मिस्टेक है अस्वीकार में व में बड़ी की मात्रा लगी अप्राण इस तरीके से नहीं लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है अभिषेक में ये श नहीं यूज होगा ठीक है ये वाला श यूज होगा फिर अनुग्रहित मैं यहाँ पर अनुग्रहित लिख देती हूँ अनु ग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा अनुग्रहित ठीक है ये नहीं यूज होगा ये मात्रा यूज होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है तत्सम तद्भव अगला टॉपिक कौन सा है हमारा तत्सम और तद्भव चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है यानी कि जो ओट्स हैं तत्सम है और हमें इसका तद्भव बताना है यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओट्स एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा तो अंग रखा अंगीठी आठ अंगूठा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो गई है यहाँ पे होगा ओट तो ओस्ट किसका तत्सम रूप है ओट का ओट का तत्सम रूप क्या है ओस्ट और ओट्स का ओस्ट का तद्भव रूप है ओट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है मुद्री का तत्सम रूप बताइए तो मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा मुद्री होगा मुद्री होगा मुद्रिका होगा या मुद्रिका होगा ठीक है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुद्री का तत्सम रूप क्या है मुद्रिका तो मुद्रिक मुद्रिका जो हो गई वो तत्सम हो गया मुद्री जो हो गई वो तद्भव हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है हुलास का तत्सम रूप क्या है हिलास है दिलास है उल्लास है या हास्य है तो हुलास शब्द का सही तत्सम रूप है उल्लास ठीक है हुलास जो है हुलास जो, जो है एक तद्भव है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप पूछा है यानी कि ये तद्भव है और हमें तत्सम रूप बताना तो हमारा तत्सम रूप हो गया उल्लास चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा मतलब एकल जो है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा यानी एकल हमारा तत्सम है तो तद्भव रूप क्या होगा अकेला अकेला क्या हो गया तद्भव अकेला हो गया तद्भव एकल हो गया तत्सम चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है मतलब यहाँ पे जो चार शब्द दिए गए हैं उनमें से एक तद्भव है और तीन के तीन तत्सम है तो हमें तद्भव वाला शब्द खोजना है क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ससुर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा इसका तत्सम होगा स्वासुर ठीक है इस तरीके से लिखा जाएगा यूथ यूथ क्या है यूथ एक तत्सम वर्ड है ठीक है यूथ एक तत्सम है तो इसका तद्भव होगा जत्था ठीक है गायक एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव होगा गवैया कृष्ण एक तत्सम शब्द है तो इसका तत्सम होगा या तो होगा कान और इसके साथ साथ होगा किशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमने तत्सम तद्भव वाले भी क्वेश्चंस लगा लिए अब मैं यहाँ पे कुछ अलग से तत्सम तद्भव आपको बताती हूँ देखिए अमीर का तत्सम होता है अमृत अक्षर का तत्सम होता है अक्षर ठीक है ठीक है और अनत का तत्सम क्या होगा अन्यंत्र अनत का तत्सम होगा अन्यंत्र ठीक है अमचूर की बात करें तो अमचूर का तत्सम होता है आम्रचूर्ण क्या होता है आम्रचूर्ण अनाज की बात करें तो अनाज का तत्सम होता है अन्य अमोल का होता है अमूल्य आकाश का होता है आकाश ठीक है बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे ध्यान दीजिए आकाश नहीं होता है आकाश होता है तत्सम रूप अगाड़ी का क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगाड़ी का होता है अग्रवर्ती ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ठीक है एक सेंटेंस में आपको शब्द एक सेंटेंस दिया होगा और उस शब्द के लिए उस सेंटेंस के लिए केवल एक वर्ड मान्य होगा ठीक है ऐसा क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द सही है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है इनमें से तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर क्या होगा चंद्रशेखर ठीक है चक्रधर क्या होता है जो चक्र को धारण करता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है जब चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा आ जाए मतलब पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण जब चंद्रमा का आधा भाग या पूरा भाग पूरी तरह से ढक जाए उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा पद भ्रष्ट होगा पदानवत होगा पदानुगत होगा या पदच्युत होगा तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पदच्युत क्या होगा पदच्युत जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए सही सही शब्द है पदच्युत चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताना है ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तिशाली भी है दयालु भी है शांत धीर भी है और योद्धा नायक भी है उसके लिए एक शब्द क्या है धीरो दात क्या होगा आंसर धीरो दात धीरोधत्त क्या होता है देखिए शक्तिशाली मतलब शक्तिशाली है मतलब शूरवीर है लेकिन अभिमानी ठीक है शूरवीर किंतु अभिमानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा धीरो धत्त ठीक है धीर ललित क्या होता है ललित कथाओं का प्रेमी ललित कथाओं का प्रेमी उसके लिए एक शब्द होता है है धीर ललित चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द बताइए तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है वीर प्रसू क्या है वीर पशु वीरांग वीर प्रसू वीरांगना क्या होती है वीर वीरांगना क्या होती है वीर स्त्री के लिए वीरांगना होता है ठीक है पुत्रवती पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती शब्द होता है वीर बहुरी वीर बहु के लिए वीर बहुरी शब्द होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे कुछ अन, अन्य शब्द देख लेते हैं तो वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो वह बात ऐसी बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहा जाता है ठीक है उसे क्या कहा जाता है उसे अभिप्रेत कहा जाता है निष्फल न होने वाला उसे क्या कहते हैं अमोघ कहते हैं किसी के गुण को भी अवगुण समझना ठीक है किसी की अच्छाई को भी बुराई समझना मतलब कि दोष समझना ठीक है किसी के अच्छाई को भी दोष समझना किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसके लिए सही शब्द है वो है असूया क्या है असूया असुय? नहीं असूया ठीक है फिर है सबसे आगे रहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या है अग्रणी जिसको न जीता जा सके जिसको न जीता जा सके उसके लिए एक शब्द है अजय ठीक है फिर लास्ट है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसके लिए एक शब्द है अनिश्चित ठीक है चलिए तो ये हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ लिया अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा अगला टॉपिक है विशेषण और विशेष ठीक है हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं तो विशेष क्या होता है विशेषण क्या होता है आप सबको बखूबी पता होगा कि विशेष होता है संज्ञा ठीक है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो कहलाता है विशेष ठीक है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो कहलाता है विशेष विशेष और जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण जैसे कि मैं आप पे आप्जाम्पल लेती हूँ जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए कि राम सुंदर लड़का है ठीक है राम जो है सुंदर लड़का है यहाँ पे विशेषण क्या हो गया सुंदर लड़का मतलब यहाँ पे विशेषण है सुंदर ठीक है राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या है सुंदर लड़का है ठीक है यहाँ पे विशेष हो गया राम राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या है सुंदर लड़का है और विशेषण हो गया सुंदर ठीक है उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि विशेष है राम राम सुंदर लड़का है या राम सुंदर है तो विशेष हो गया राम राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है तो विशेषण हो गया सुंदर ठीक है और विशेषण विशेष में इसके कई भाग्य होते हैं विशेषण के कई भाग्य होते हैं जैसे कि सार्वनामिक विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक परिमाणवाचक इस तरीके से कई भाग होते हैं ठीक है तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण क्या है मतलब एक प्रतिभा संपन्न छात्र एक आपको सेंटेंस दिया और पूछा गया है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण क्या होगा सही उपयुक्त विशेषण क्या होगा मेधावी ठीक है कुशल चतुर अध्ययनशील मेधावी तो यहाँ पर उचित जो विशेषण है वो निकल के आ रहा है मेधावी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण परिमाणवाचक गुणवाचक या सार्वनामिक तो हमारा आंसर होगा गुणवाचक विशेषण नीली साड़ी यहाँ पे साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसी है नीली है यहाँ पे साड़ी का गुण बताया जा रहा है कि वह नीली है तो ये है गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों तो, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भाग होते हैं एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक जिसमें जो संख्याएं जो होती हैं वो निश्चित होती हैं जैसे कि दस बीस तीस इस तरीके से और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक में संख्याएँ बोध नहीं होती जैसे कि कुछ हो गए थोड़े हो गए इस तरीके से ठीक है और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भाग होते हैं एक है निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक में होगा जैसे कि दो किलो गेहूँ एक लीटर दूध इस तरीके से निश्चित होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे कि हम कह सकते हैं थोड़ा सा आटा कुछ चीनी बहुत सारा धन इस तरीके से होगा ठीक है तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि यह घोड़ा राम का है यह घोड़ा राम का है ठीक है मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूं यह घोड़ा राम का है तो यह क्या हो गया यह हो गया हमारा संकेत मतलब हम संकेत कर रहे हैं कि यह घोड़ा किसका है राम का है घोड़े की तरफ संकेत किया जा रहा है कि यह राम का है तो सारना सारनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है ठीक है गुणवाचक विशेषण में कई कई प्रकार होते हैं कई भाग होते हैं जैसे कि गुड़ होता है गुड़ के अंदर आ जाएगा सच्चा झूठा दानी पापी न्यायी दुष्ट शांत सब कुछ आ जाएगा और गुणवाचक विशेषण का अगला भाग होता है रंग जैसे लाल पीला हरा बैगनी इस तरीके से आकार आकार होता है जैसे कि टेढ़ा सीधा चौकोर गोल सुडौर लंबा चौड़ा ये सब होता है स्थान होते हैं जैसे कि देसी पंजाबी विदेशी भारतीय अमेरिकी ठीक है ये सब हो गए काल होते हैं जैसे कि नया पुराना ताजा वर्तमान भविष्य इस तरीके से ठीक है दशा होती है दुबला पतला मोटा भारी गीला सूखा ठीक है दिशा भी होती है जैसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये सब क्या होते हैं यह सबके सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं तो जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है आपको उसे ध्यान से पढ़ना है और निष्कर्ष निकालना है कि ये किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है ठीक है यहाँ पे चार युग्म दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण क्या है ये विशेषण नहीं है ये ऐसे ही नाम लिख दिए गए हैं राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है देखिए हरा पीला क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अंतर्गत आ जाएंगे दो तीन ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे छोटा बड़ा ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे मैंने आपको अभी भी बताया कि गुणवाचक में दशा होती है मतलब छोटा बड़ा दुबला पतला ये सब हो सकता है और राम लक्ष्मण क्या है ये सिर्फ नाम लिखे गए हैं ये एक विशेष है तो ये विशेषण नहीं है तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इत... क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है ठीक है आपको चार शब्द दिए गए हैं चार नहीं एक्चुअली तीन शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि इस इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है विशेष यानी कि संज्ञा को पूछा जा रहा है तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है पानी हमारा विशेष है क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या करता है ठंड पैदा करता है ठंडा पानी नहीं 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 यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा जो आंसर है वो सिर्फ इसी दो वर्ड में है ठंडा पानी में ही विशेष क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषण क्या होता है एक विशेषता होती है विशेष विशेषण होता है विशेषता पानी क्या है पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है ठंडा है ठीक है तो ठंडा शब्द हमारा विशेषण हो गया पानी शब्द हमारा विशेष हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति यहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये हमने विशेषण विशेष के सभी क्वेश्चन आंसर को लगा लिया अब हम कुछ विशेषण विशेष देख लेते हैं तो अग्नि क्या हो गया अग्नि विशेष है इसका विशेषण होगा आग्नेय अधिकार का विशेषण होगा अधिक आधिकारिक आधिकारिक नहीं आधिकारिक ठीक है अध्यात्म का आध्यात्मिक अनुमान का अनुमानित ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अनुमान का होगा अनुमानित अनुमान का क्या होगा अनुमानित ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं अनुवाद का अनुदित होता है अनुराग का अनुरक्त होता है अपमान का अपमानित होता है अपेक्षा का अपेक्षित होता है ठीक है अपेक्षित मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपेक्षित अपेक्षा का अपेक्षित होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक है पर्यावाची पर्यावाची के क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यावाची नहीं है ठीक है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यावाची नहीं है मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से तीन ब्रह्मा के पर्यावाची हैं और एक नहीं है कमलासन चतुरानंद चतुर्मुख और चतुर्भुज तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज चतुर्भुज किसका पर्यावाची होता? होता है चतुर्भुज होता है विष्णु का पर्यावाची ठीक है तो ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यावची हुए कमलासन चतुरानंद और चतुर्मुख ठीक है इसके अलावा बात की जाए ब्रह्मा के पर्यावची की तो और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि स्वयंभू होता है हिरण गर्भ होता है अजविरंची लोकेश ठीक है गिरापति नाभि जन्मा सदानंद ये सब क्या होते हैं ब्रह्मा के पर्यावची चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्राची का पर्यावची शब्द क्या है तो प्राची का पर्यावरची शब्द क्या होता है पूर्व प्राचीन का क्या होता है पूर्व ठीक है और प्राचीन किसका पर्यायवाची शब्द है प्राचीन है पुराना का प्राकृत जो प्रकृति से जन्म हुआ है ठीक है प्रज्ञा किसका पर्यायवाची शब्द है प्रज्ञा है सरस्वती का चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है तो इनमें से क्या होगा हमारा आंसर सही आंसर होगा अमर्श क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्श और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं क्रोध के तो जैसे हो गया रोष हो गया कोप हो गया ये सब क्या हो गए क्रोध के पर्यायवाची शब्द रोष हो गया कोप हो गया यह सब क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं संताप किसका पर्यायवाची शब्द है संताप दुख का पर्यायवाची शब्द है वैमनस शत्रुता का पर्यायवाची शब्द है और भीति डर का पर्यायवाची शब्द है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है हिरण गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है तो हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा हिरण गर्भ किसका पर्यायवाची है ब्रह्मा का ठीक है हिरण गर्भ किसका है ब्रह्मा का ठीक है विष्णु की बात की जाए तो विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं तो विष्णु के भी कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि विष्णु के होते हैं माधव होते हैं जनार्दन होता है उपेंद्र होता है अच्युत होते हैं ये सब क्या होते हैं विष्णु के पर्यायवाची शब्द ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फल का पर्यावरची शब्द क्या होगा तो फल का पर्यावचित शब्द क्या होता है दोस्तों तो फल का पर्यावचित शब्द होता है परिणाम फल के और कौन कौन से पर्यावचित शब्द होते हैं फल के और भी पर्यावचित शब्द होते हैं जैसे कि अंजाम हो गया नतीजा हो गया ठीक है और फड़ी फड़ी किसका पर्यावचित शब्द है सर्प का ठीक है फिराक किसका पर्यावचित शब्द है चिंता का ठीक है फरेब किसका पर्यावचित शब्द है छल का ठीक है तो ये हमने पर्यावचित के भी क्वेश्चन आंसर लगा लिए अब हम यहाँ पे कुछ अलग से पर्यायवाची शब्द देखते हैं अचल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं अचल के होते हैं गिरी शैल नग, महिधर अद्री ठीक है अग्नि के अग्नि की हो जाएंगे आग अनल पावक वही धूमकेतु जातवेदस, वेदस वायु ये सब अग्नि के आग के पर्यायवाची शब्द हैं अचला के अचला के हो जाएंगे पृथ्वी क्षिति धरा वसुंधरा वसुधा धरती ये सब अचला के पर्यायवाची शब्द हैं अक्षर की बात की जाए तो अक्षर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं अक्षर के हो जाएंगे मोक्ष वर्ण शिव ब्रह्मा ये सब अक्षर के पर्यायवाची शब्द हैं ठीक है अपमान की बात की जाए तो अपमान के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अपमान के हो जाएंगे अनादर अवमान बेइज्जती अवज्ञा तिरस्कार उपेक्षा निरादर ये सब अपमान के पर्यायवाची शब्द होंगे चलिए तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की रीजनिंग का प्रैक्टिस सॉरी ये था आज आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों